भाई खाएंगे पहले ना, खाई के पान बनारस वाला वेरी गुड। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। तो गाइस आज है दशहरा, तो सब लोगों को भाई हमारी तरफ से हैप्पी दशहरा। तो गाइस इसी दशहरा के हम उत्सव पर जाने हैं, भाई और मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए। तो भाई बताने वाले हैं गाइस कहाँ पर जा रहे हैं, भाई बताएंगे। हम जा रहे हैं दशहरा देखने, तो गाइस रावण दहन देख रहे हैं। तो आज भाई हम रावण दहन होने वाला है हमारे छतरपुर में, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर कैसे दशहरे को सेलिब्रेट किया जाता है वो भी हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। पर आप देखेंगे बैक में है ये बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर लिखा है छतरपुर मेडिकल कॉलेज। तो गाइज ये है निर्माण स्थल, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनने वाला बहुत ज़बरदस्त। और पीछे है ये हाईवे जो कि नौगांव झांसी वाला हाईवे गाइज, और इस बगल को हम जाने वाले हैं छतरपुर। और देखते हैं भाई हमारे यहाँ का दशहरा कैसे सेलिब्रेट होता है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम जाने वाला हूँ, एक्सपीरियंस कैसे होता है। तो गाइज ब्लॉग के साथ बने रहें। तो गाइज हम पहुँच चुके हैं छतरपुर, और ये देखिए आप छतरपुर का नज़ारा। विशाल मेगा मॉल, छतरपुर शहर। गाइज हम नया शोरूम खुला है, तो भाई उसमें भी हम शॉपिंग करने जा रहे हैं आज। तो देखते हैं भाई कि बी बाजार भी खुल गया ना यहाँ पर, बी बाजार तो पीछे रह गया। ये धर्मदा हॉस्पिटल सामने है वो नया वाला शोरूम सिटी कार्ड। गाइज ये देखिए सिटी कार्ड पहुँच चुके हम। भाई सिटी कार्ड पहुंच चुके हैं। गाइस ये हमारे छतरपुर का घोड़ा चौक, गाइस ये देख सकते हैं आप। और आज दशहरा का 9वां और 10वां दिन है। और यहाँ देखिए आप रंगों से सड़क को रंग दिया है बिल्कुल। भाई जब हम पान खाने वाले हैं, पान खिलाने वाले हैं भाई। नो फायर पान है का, फायर पान भैया, फायर पान भी है, फायर पान चलता है क्यों नहीं चलता है? अच्छा अच्छा कौन सा लगा रहे हैं, वीडियो बना लेना आप। मीठा पान है, हाँ हाँ भाई खाएंगे पहले ना, खाई के पान बनारस वाला वेरी गुड। गाइस हम भी मीठा पान खाने वाले हैं अभी। यहाँ पर भी देखिए पान ही पान है, यहाँ पर भी स्टॉल देखेंगे आप। तो गाइस पान का मजा है ना बहुत ज़्यादा जबरदस्त है। लाल होगी मेरी जीप, अब चल रहे हैं भाई आगे मैं और भाई।
नमक हो गया शगुन। ये भाई देखिए स्टेडियम आ चुका है, यहाँ पर रावण दहन किया जाएगा और एक क्रेन ने अपना काम कर दिया, रावण को जोड़ दिया। दिख रहा बाहर, चलो चलिए दिखाते हैं आपको अब अंदर का नजारा। ये देखिए सामने पूरा जो सामने है पुतला रावण जी का, उसका 8:30 बजे दहन किया जाएगा। बुढ़िया के बुढ़िया के। तो गाइस हम आ चुके हैं बाबूराज चतुर्वेदी स्टेडियम में और यहाँ पर देखिए बैक में नजारा और भाई भी साथ में है। स्टेडियम देखिए पहले कितना बड़ा है। तो जब दहन होगा उसके बाद पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, तो बहुत व्लॉग में मजा आने वाला है गाइस, तो देखिएगा जरूर। तो भाई ये देखिए सामने से फ्रंट से कुछ ऐसा नज़ारा है और यहाँ पर देखिए कितनी प्रोटेक्शन लगाई हुई है। तो गाइस पान का जो स्वाद है वो ख़त्म हो गया, मीठापन भी, उसको फेंकना ही है बस। और अभी दहन होने में कम से कम 1.5 घंटा बाकी है। यहाँ पर गाइस होने वाली है रामलीला और अभी देखिए जनता बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर, शायद हम स्टेडियम में पहले ही आ चुके हैं। और सामने आप देखेंगे फायर वाली गाड़ी भी पड़ी है, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो भाई आग को बुझा सकेंगे ये। तो गाइस हमने चीज़ बर्गर मंगवाया, ये देखिए इसको खाकर फिर देखते हैं दशहरा। भाई भी खा रहे हैं, कैसा टेस्ट लग रहा है भैया? हाँ सही है। भाई हमने ऑर्डर करा दिया यहाँ पर स्प्रिंग रोल वेज और मोमोज फ्राइड हैं, साथ में ये वाले भी हैं। भाई खाकर बताने वाले हैं कैसे हैं, इसका टेस्ट पहले देख लेते हैं कैसा टेस्ट है इसका। भाई टेस्ट बताइए फ्राई वाले का, अच्छा लग रहा है। ठीक है अभी स्प्रिंग रोल भी ट्राई करेंगे उसके बाद बताएंगे आपको। तो गाइस कितने बज गए? 8 बज गए ना, 8:30 हो गए, अभी तक नहीं जलाना, जले वाला है ना। गाइस बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर देख सकते हैं। गाइस अभी रावण जलने में है, 12 बजे हैं, क्यों भाई साहब इसलिए आप जा रहे हैं हम घर पर, क्योंकि भाई 12 बजे तक तो रुक नहीं सकते। रावण बस इतना ही, आप फिलहाल इतना ही नज़ारा देख लीजिए, चलते हैं घर चलते हैं आगे। अभी रात तक हम रुक नहीं सकते, इतनी रात में रुक सकते क्योंकि अभी 12:01 बजे है। चलो भाई ब्लॉग करते हैं अब एंड और मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।